बताना है इसमें कौन सी आकृति समान है। ठीक, ये क्या बना है? सिलेंडर बना है, सिलेंडर को पलट दिया गया है। अब ऐसे ही पहले बनेगा वृत्त बनेगा और उल्टा वृत्त बनेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ये तो है नहीं, गलत बना है। इसमें क्या है? ये वाली देखो अलग हो गई, तो ये भी गलत। इसने क्या कर दिया? अंदर की तरफ कर दिया, तो ये भी गलत। तो कौन सा बच्चा? ठीक है, त्रिभुज बना है। ये क्या बना? तीन से ये पंचभुज बन गया। अरे चतुर्भुज से क्या बनेगा? षटभुज बनेगा। कल ही बताए थे षटभुज बनाने की। ये अब क्या करना है? कलर करना है, वो भी कैसे? लाइनों से। तो कौन सा हो जाएगा षटभुज? ये क्या बना है? अष्टभुज बना है, अष्टभुज बना है ना। ये गलत हो गया। इसमें क्या है? पंचभुज है, ये भी गलत। चतुर्भुज है, ये भी गलत। तो बचा कौन? और वैसे भी लाइनें जब ऐसे करोगे, ठीक है, अब इसमें देखो प्रश्न आकर दी है, और फिर बताना है कि क्या आएगी। कितना घूम रहे? 90 डिग्री। 90 डिग्री घूम रही है। जहाँ से अब कहाँ आ गई? ये वाला जो वर्ग है ये घूम रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। देखो किसमें ये तो है नहीं, ये गलत हो गया। है भी गलत। इसमें क्या है? ऊपर की तरफ बना, लेकिन बनेगा कहाँ? नीचे। तो कौन सा सही? त्रिभुज को क्या कर दिया? पलट दिया गया है। अब त्रिभुज को क्या करा? कर दिया जाएगा। इस साइड बनेगा, ऐसे तो बनेगा ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे तो बनेगा। लाइनें खींच दी होंगी, इसमें आ रहा डी। चतुर्भुज बना है, दर्पण हुआ है, उल्टा बताना है। ठीक, इसका दर्पण। अब इसका दर्पण क्या होगा? इस साइड है, चतुर्भुज किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। लाइनें ऊपर हैं तो ऊपर ही रहेंगे, त्रिभुज कभी उल्टा सीधा नहीं होता। ठीक है, तो किसमें बन रहा? ये तो बन नहीं रहा, सीधा बना। ये तो सेम इसके जैसा बना, तो हूँ ये भी गलत, ये नीचे बना, ये भी गलत। तो मैं क्या कहूँ? देखो कितना विस्थापित हो रहा है, 90 डिग्री। क्रॉस था, फिर ये वर्ग नीचे आ गया, अब क्रॉस कहाँ आ गया? और इसमें क्या होगा? ये वाला त्रिभुज नीचे आएगा, तो त्रिभुज पहले नीचे ले आओ, उसके बाद अब जो वृत्त है वहाँ पे रखो वृत्त। तो किसमें? इसमें तो है नहीं, लेकिन त्रिभुज था, लेकिन क्या है? वृत्त नहीं है, तो ये गलत हो गया। और ये तो आप देखिए,